कोरोना संकट के चलते 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों को एकजुटता कायम रखने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने महामारी के अंधेरे के बीच 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की बत्तियां गुलकर दिया, टॉर्च और फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी की अपील की है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक हैशटैग 9 बजे 9 मिनट ट्रेंड कर रहा है। लेकिन पीएम की इस मुहिम पर भी विपक्ष सियासत से बाज नहीं आ पाया। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इस अभियान की आलोचना करने और माखौल उड़ाने के बाद अब इसको अपनी लालटेन से ही जोड़ लिया है। बिहार में आरजेडी ने 5 मार्च को दिए की जगह लालू की लालटेन जगमगाने की मुहिम छेड़ दी है। बिहार में प्रमुख राजनीतिक दल का दर्जा रखने वाली आरजेडी ने पीएम के दिए जलाने वाले मैसेज के जवाब में नया अभियान छेड़ दिया है। राजद ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं के समर्थन और सहयोग में दिया मोमबत्ती से भी कारगर और मारक लालटेन जलाएं, कोरोना भगाएं। दरअसल लालटेन आरजेडी का चुनाव चिन्ह है। यही वजह है कि पार्टी ने पीएम के भाषण के बाद दिए, मोमबत्ती, टॉर्च और फ्लैश लाइट की आइडिया के विकल्प के तौर पर लालटेन जलाने की बात छेड़ दी है। जहां राजद के नेता और कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर 5 अप्रैल को लालटेन की जगमगाहट के संदेश दे रहे हैं, वहीं जेडीयू बीजेपी के नेता भी राजद को लगातार याद दिला रहे हैं कि एलईडी बल्ब के जमाने में लालटेन की बात आज कोई नहीं करेगा। राजद की मुहिम पर तंज कसते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने लिखा कि अब लालटेन का जमाना चला गया है, गांव में भी घर घर बिजली पहुंच गई है और मोबाइल भी आज सबके पास है, इसलिए पीएम ने लालटेन का जिक्र नहीं किया, समझे बबुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।